चाइला वो वाइट्स करेगा, वाइट्स मारेगा जो मैं बोलेंगी उसको। कुत्ता है वो मेरा, पालतू कुत्ता। देख ताई, दुर्गा रानी के तो बाल छोटे थे ना, वो तो लंबे बालों का विग लगाती थी ना, पर इसके ये बाल नकली नहीं असली है, ये सुरवी है, खींच के देख ले। कौन है तू? सच पता कौन है तू? वही होता है मैं वही 14 साल की छोटी बच्ची हूं जो अपने दोस्त के घर रहने आई थी, जो एक वादे के डोर से बंधी हुई थी, जिसने आपके किए हुए वादे को निभाने के लिए अपनी हर खुशी की कुर्बानी दे दी, लेकिन उससे आपका फरेब आपका छल देखा नहीं गया। आपने फरेब से उस छोटी बच्ची की मासूमियत छीन ली थी। मैं उस आदमी की पत्नी हूं जिसके साथ आप पिछले 10 साल से अनगिनत खेल खेलती आई है। उस आदमी की बेटी हूं मैं जिसे आपने छुपने पर मजबूर कर दिया। आपने इस छोटी बच्ची के वादे का मजाक बनाकर रख दिया था। प्रताई, आप एक बात भूल गई कि ये जो वादे है ना, ये दिखने में भले ही रेशम की तरह नाजुक और मुलायम होते हैं, पर फौलाद की जितनी ताकत होती है इन वादों में। आपने उस 14 साल की बच्ची को दुर्गा का रूप लेने के लिए विवश कर दिया। पर हूं तो मैं वही सुरवी कार्तिक परवे। इतनी भर की लड़की ने ताई को मेरे को उल्लू बनाया। इसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं टूटा तेरा। 14 साल की उम्र से भाई तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाती आई है। मेरी छत से मर के मानेगी तू? तेरे को क्या लगता है? तेरे को लगता है कि तू जीत गई? ताई से जीत गई? अभी जाएगी भागकर कारकत्या के पास और मेरा सारा कच्चा चिट्ठा रख देगी उसके सामने और वो तेरी बात मानेगा वो तेरी बात।
भागते वो लोग हैं ताई जो डरते हैं, और आप जैसे छुपकर वार करने वाले कायरों से ना डरना बंद कर दिया मैंने। मैं यही हूं ताई, जो करना है आपको वो कर लीजिए। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। तू ताई के सामने खड़ी होके नजर से नजर मिला के बात कर रही है, लगता है सब कुछ भूल गई है। 8 साल पहले क्या हुआ था याद दिलाऊं तेरे को मैं? ये लता, मैंने धक्का मारा था इसको टेरिस से। अनिल जाम तेरे सिर पे मार दिया था, याद आया कुछ? मजबूर कर दिया था मैंने कार्तिया को तेरे से नफरत करने के लिए, और उसने वाइच किया, और वाइच होगा क्योंकि कार्तिक पर भी मेरे एहसान तले दबाए। चाइना वो वाइच करेगा, वाइच मानेगा जो मैं बोलेगी उसको। कुत्ता है वो मेरा, पालतू कुत्ता। उसको मैंने छत दी थी, उसकी माँ को, उसकी पागल बहन को, अपने बच्चों की रोटी तोड़कर इनको उसका हिस्सा दिया। जब उसका बुरा वक्त आया था ना, तो मैं उसके साथ खड़ी थी, तू नहीं। कमला दिगंबर बरवे, और आज जब उसका अच्छा वक्त आया है, तो मेरे को और मेरे बच्चों को भूल गया? नहीं ताई, ना कभी आपको भूले, ना कभी आपके परिवार को। सर, माँ की तरह प्यार किया उन्होंने आपको, इस घर की मालकिन बना के रखा आपको, हर एक चीज आपसे पूछ कर किया उन्होंने, कभी उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा आप लोगों के लिए कटते रहे, मिटते रहे। कार्तिक के प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी ताई कि आप उनकी मरने की कामना करने लगी, उनको मारने की साजिशें करने लगी ताई। बोलने की बातें, सिर्फ बोलने की बातें। हक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ज्यादा मायने इसके चाइला, लेकिन जब असल में हक देने की बारी आई तब क्या किया उसने? तो 50% उठा के तेरे बाप को, श्रीकांत मोहिते को और तेरे को दे दिया। मैं और मेरे बच्चों का क्या? हम लोग ध्यान में नहीं आए उसके, कटोरा रख के जिंदगी भर भीख मांगे उससे। झूठा इल्जाम मत लगाइए आप मेरे कार्तिक पर, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपने अपने अंदर इतनी नफरत भर ली है ना ताई, कि आपको सब गलत ही दिखाई देता है। सच कहते हैं लोग कि अगर एक औरत चाहे ना तो एक घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर चाहे तो नरक। कार्तिक ने तो आपके लिए जितना किया है ना, तो किसी का अपना बेटा भी नहीं कर सकता है। ए, बादशाह, ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को तेरा इधर। ये बात तो तय है सुरवी, आज महाशिवरात्रि के दिन मैं इस कहानी का अंत करके छ रही हूं। बस एक बार कार्तिया घर पे आ जाए तो पूछो। तूने सुबह कार्तिया के सामने आई से अपने नकली बाल सरकाए थे, वो तेरा नाटक था। अनि जो तू मेरे साथ फोन पे बात कर रही थी वो, आप अपना पूरा जोर लगा दो और हमें कार्तिक को मारना ही होगा, वो तेरी चाल थी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था मैंने कि अपने पति के धर्म का पालन करता और अपने सुहाग का रक्षक बनूंगी। आपने तो उस कार्तिक की जान लेने का षड्यंत्र बनाया जो आपके खिलाफ कभी एक शब्द तक नहीं सुनते। ताई मैं चाहे जो कुछ भी कर लेती, अपनी जान भी दे देती ना, फिर भी वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। अगर मैं अपना रिश्ता भी दांव पर लगा देती ना, फिर भी वो आप पर शक नहीं करते। उनका ये सब अपने कानों से सुनना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने उनके मन में शक पैदा करवाया, कि वो ये सारी सच्चाई सुन सके जैसे इस वक्त वो वहां सुन रहे हैं।
भाई ये सुरभि ने कैसे? अब तो यकीन हो गया ना आपको कार्तिक, अब तो आपकी आंखों पर से पर्दा उठ गया ना, अब तो ताई की असलियत आपकी आंखों के सामने आ गई ना कार्तिक। ताई को धक्का ताई ने दिया था, शादी का हाथ भी इन्हीं की बेटियों ने चलाया था। जुर्म हमेशा ये करती आई का, और दोष हमेशा किसी और के सर, और के सर। इतना गलत फायदा उठाया इन्होंने आपका, आपके प्यार का, आपके विश्वास का कातिल। इन्होंने हमारा नहीं कहा, आपका शोषण किया, आपको अपने ही वादे में कैद करके एहसानों के बोझ के तले आपकी मासूमियत का फायदा उठाती रही। पर दुख तो मुझे इस बात का है कार्तिक कि आपकी आंखों से पर्दा उठाने के लिए मुझे इनकी तरह ढोंग करना पड़ा, धोखा देना पड़ा कार्तिक आपको। मैं जानती हूँ कि आपको भी बहुत दुख, बहुत तकलीफ हुई होगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करती कार्तिक? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ताई के अलावा ना तो कभी आपने मुझ पर, ना ही अपने माँ पर भरोसा किया। लताई चीख चीख कर कहती रही कि ताई ने उन्हें धक्का दिया था। कार्तिक, उस दिन छत से धक्का इसने दिया था, इस औरत ने। इतना अंधा विश्वास किया अपने ताई पर कि जब तक ताई खुद अपने मुंह से जुर्म कबूल नहीं कर लेती, आपको कभी विश्वास होता ही नहीं कार्तिक। एक पत्नी आग में झुलस सकती है कार्तिक, पर अपने पति पर एक आज तक आने नहीं दे सकती। आपका अशुभ तो वो लोग करना चाह रहे थे कार्तिक, जिनके लिए आप आज तक जीते आ रहे थे। एक सुहागनी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कार्तिक कि उसके पति पर हमला हो रहा हो? ताई के अत्याचारों ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं टूट कर हार मान लेती, या तो डट कर उसका सामना करती उन्हीं के हथियारों से। अगर मैं हार मान लेती ना कार्तिक, तो मेरे रिश्ते पर उंगलियां उठती, इसीलिए मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि गलती मेरी है, फिर भी अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना कार्तिक, तो आप मुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा ना तो मैं और कुछ कह सकती हूँ, ना ही कुछ कर सकती। आज मैं स्वीकार करता कि एक पति की सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी होती है। तुम जैसे मेरी मासूमियत कहती हो, उसे मैं अपनी नाज समझी कबूल करता हूं। अपनों को पराया समझ बैठा मैं।
अपनी ताकत को कमजोरी मानता है और झूठ के महाजाल को सच का आधार। बहुत ही बदकिस्मत इंसानों में सुरे जो अपनी पत्नी को पहचान ना सका। सब कुछ मेरे सामने होता रहा और मैं आंखें मूंदे खड़ा रहा। मैंने तुम्हें जाना तो सही लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानता हूं और मैं इस गलती को सुधारूंगा। एक आदमी का सर तीन औरतों के सामने झुकता है, एक जगत जननी दुर्गा माँ के सामने, एक अपनी जननी अपनी माँ के सामने और एक मैं तुम्हारे सामने सर झुकाने लायक भी नहीं। हमेशा बार बार गलतियां करता हूं लेकिन सुरभि आज तुम्हारा कार्तिक तुम्हारे सामने सर झुकाए बैठा सिर्फ एक वादे के लिए। आखिरी वादा करना चाहता हूं तुमसे और जब तक है जान मैं इस वादे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। हिंदू शास्त्रों में शिव और पार्वती की शादी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शिव पार्वती को साक्षी मानकर मैं आज तुमसे हक मांगना चाहता हूं सुरभि। तुम्हें प्यार करने का हक, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का हक, तुम्हें पत्नी कहने का हक। मुझे मेरा खोया हुआ हक वापस लौटा दो। जो हक आप मुझसे मांग रहे ना करते वो हक दिया नहीं जाता, हासिल किया जाता। आपने ये हक अपनी गलतियों की वजह से खोया है करते, तो आपको हासिल भी इसे खुद ही करना होगा। आपने ताई पर इतना ज्यादा यकीन किया कि आप अपनी खुद की माँ पर यकीन करना भूल गए। हेमादी और बिंदुदी की खुशियों में आप इतना खो गए कि आपको अपनी खुद की बहन के दुख दर्द नहीं दिखाई थी। इस तरह ताई की बातों में उलझ गए कि अपने पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं दिखाई थी आपको। यह हक आपको वापस तभी मिल सकता है कार्तिक जब आप इस रिश्ते की नींव को भरोसे से सींचेंगे। सच कहूं कार्तिक, अगर आज मुझे दुर्गा का रूप लेना पड़ा है ना तो वो ताई की वजह से नहीं, मुझ पर आपके विश्वास की कमी की वजह से। ताई पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आपने किया और उसकी कीमत आपकी माँ को आपकी बहन को आपकी पत्नी को चुकानी पड़ी।